आने संबंधी शिकायत लेकर पहुंची महिलाएं। महिलाओं का कहना है कि होटल मालिक उन लोगों के धमकियां देता है कि अपने मकान खाली करो, नहीं तो इन पर बुलडोजर चलवा दूंगा। वहीं कुछ मकानों को उक्त होटल संचालक तोड़वा भी चुका है। वहीं महिलाओं का कहना है कि होटल संचालक अपने साथ पुलिस लेकर आता है, जो कि गुनाह की न होकर बजरंगढ़ थाने की होती है। महिलाओं ने कहा है कि हम पिछले 25 वर्षों से यहां रह रहे हैं। मकानों को तोड़े जाने की शिकायत लेकर आज सभी महिलाएं एसपी कार्यालय पहुंची। हमारे मकानों का मामला आएगा, 20-20 साल से हम रह रहे हैं साहब, 20 साल से सारा होटल वाला एक दिन भी नहीं आया हमसे, मकान बनाए थोड़े हमने टपरिया बनाई, जब भी जैन कहा कि तुम मत बनाओ, अब अभी अभी है ना 3-4 महीने हो गए हमें, मतलब खाने पीने तक नहीं दे रहा, रात दिन आता जो कहता खाली करो, 3-4 मकान तो उनने तोड़ भी दिए हमारे। तो कोई पुलिस वगैरह लाते, पुलिस वाले लाते हैं कैंट के थाने से, वहाँ से बजरंगढ़ के थाने से बताऊँ, पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं कि हटाओगे नहीं, नहीं नहीं तो हम कुछ कर देंगे, गुंडे बुलवा लेंगे, ऐसा करवा देंगे वैसा करवा, आप बताओ 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए मांगता है, हम कहाँ से दें बताओ, गरीब आदमी आएंगे, हम हमारे बच्चे पढ़ाए कि हम मकानों के पैसे दें बताओ।